आपका स्वागत है हेल्थ फैसिलिटी विद एके के साथ। आज हम बात करेंगे MPPNST में DME के थ्रू जो 6 कॉलेज है, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रीवा और सागर और जबलपुर, ये जो 6 कॉलेज है इनमें DME के थ्रू जो सिलेक्ट होंगे बच्चे, उनको किस प्रकार से और कितनी राशि देना पड़ सकता है, मतलब कि फीस के रूप में दे सकते हैं शुल्क। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें एक चीज़ है, बच्चों जो स्टूडेंट है उससे उन्हें कंटिन्यू प्रेजेंट मतलब कि डेली क्लासेस जाना है। 80% तक इसमें बच्चों की प्रेजेंट होनी चाहिए, अनिवार्य ही है। और वैसे देखो कि JNM में या फिर PNST में ऐसा होता है कि जो बच्चे रहते हैं इन लोगों को छुट्टी बार बार नहीं दी जाती है, जो मोस्टली जो त्यौहार होते हैं होली, दीपावली और रक्षाबंधन, उन्हीं में छुट्टी मिलती है, बाकी टाइम तो प्रेजेंट ही रहते, तो 80% प्रेजेंट लग ही जाती बच्चे की। अब बात करते हैं प्रशिक्षण शुल्क, प्रशिक्षण शुल्क कितनी लगती है, 25,000 रुपये प्रतिवर्ष देना पड़ता है। 4 साल की ट्रेनिंग है BSc नर्सिंग की, तो 4 साल तक 25,000 रुपये प्रशिक्षण शुल्क देना है। कंप्यूटर शुल्क, सेकंड कंप्यूटर शुल्क जो है वो 1,000 रुपये देना है और सिर्फ एक ही बार देना है, प्रतिवर्ष नहीं देना है। और मिनी क्वेश्चन मिनी फीस जो है वो 500 रुपये देनी है, यह भी सिर्फ एक बार या रिफंड भी हो सकती है। ओके, अब फोर्थ नंबर पे जो शुल्क है यह है कि ट्रांसपोर्ट शुल्क 1,500 रुपये, यह प्रतिवर्ष देना है। ओके, टोटल मिलाकर 28,000 रुपये यह शुल्क होती है। और बात करते हैं अगर जो स्टूडेंट हॉस्टल में रह रहे हैं या ऐसा होगा अगर कहीं पर हॉस्टल उपलब्ध नहीं है तो यह शुल्क नहीं देना पड़ेगा, और जहां हॉस्टल होगा वहां पर प्रतिवर्ष 6,000 रुपये हॉस्टल शुल्क देनी पड़ सकती है। ओके, अब बात करते हैं काउंसलिंग फीस, यह सिर्फ एक बार लेंगे, 1,000 रुपये एक बार दी जाती है। ओके, अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की, तो माइंड में ही आता है कि ST SC OBC वालों की शायद स्कॉलरशिप अलग अलग आती हो। क्या हुआ था, देखो हमारे साथ भी एक रिव्यू थी कि ऐसा था कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो क्या हुआ था कि मेरा जनरल से हुआ था, मतलब कि आती है OBC में पर हुआ था जनरल से, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं यार स्कॉलरशिप में या फिर बाकी जगह वो OBC कोटे वाला रहता है उसके हिसाब से मिलना चाहिए, या फिर जनरल से हुआ है तो जनरल के हिसाब से कुछ कम ज़्यादा तो नहीं होगा, पोस्टिंग के टाइम दिक्कत तो नहीं होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ST SC OBC और जो EWS है, जो भी जितने स्टूडेंट जाते हैं उन सभी को सेम स्टाइफंड दी जाती है। क्या है, फीस उतनी भी नहीं है, 28,000 रुपये है और ये स्टाइफंड के रूप में स्कॉलरशिप मिलती है, तो ये मतलब कि इक्वल है, एक प्रकार से फ्री ही कहो, थोड़ा बहुत चार्जेस देना पड़ रहा है। और जैसे DHS के थ्रू होता है तो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई शुल्क नहीं देनी पड़ती है, इसमें बच्चों को स्टाइफंड मिलती है। ओके, तो यह बहुत अच्छा होता है कि स्टाइफंड मिल रही है, बस मेस फीस देनी पड़ती है, मतलब कि जो हॉस्टल में रहते हैं तो वहाँ पे मेस होती है, तो मेस में भी खाना खाना पड़ता है, अलग से नहीं बनाया जा सकता, ये रूल ही होता है कि मेस है तो मेस में खाना खाना है, तो मेस का चार्ज देना पड़ता है, उसके अलावा कोई चार्ज नहीं। ओके गाइस, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई कमेंट्स हो तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए और पूछिए, हर क्वेश्चन का जवाब देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता हो तो, हमारी जानकारी अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू गाइस वॉचिंग माई वीडियो।